ईद के मौके पर रिलीज हुई बड़े मियां छोटे मियां और मैदान दोनों ही फिल्मों का हाल बुरा है। हालांकि कमाई की रेस में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म अजय देवगन की फिल्म से आगे जरूर है, लेकिन वीकेंड के बाद इसकी परेशानियां और बढ़ने वाली है। अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बनी बड़े मियां छोटे मियां पहले दिन ईद के बावजूद तगड़ी कमाई नहीं कर पाई। इस फिल्म ने देश में हिंदी समेत सभी 5 भाषाओं में 15.65 करोड़ रुपए कमाए थे। अब दूसरे दिन इसकी कमाई आधी से भी कम हो गई है। शुक्रवार को इस फिल्म ने महज 7 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया था। इस तरह दोनों दिनों में फिल्म ने 22.65 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की इस फिल्म के लिए सिनेमा घरों में दूसरे दिन दर्शकों की संख्या में भारी गिरावट भी आई है। बड़े मियां छोटे मियां के शोज में औसतन 15.54% सीटों पर दर्शक नजर आए। कमाई का ये हाल तब है जब ये फिल्म IMAX और 3D वर्जन में भी रिलीज हुई है, जहां टिकट की कीमतें अधिक हैं। अगर वर्ल्ड वाइड की बात की जाए तो बड़े मियां छोटे मियां का हाल विदेशों में भी ठीक ठाक ही कहा जा सकता है। पहले दिन जहां इसने वर्ल्ड वाइड में 31 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया था, वहीं दूसरे दिन करीब 14 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन हुआ है। इस तरह दोनों दिनों में फिल्म ने 45 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है। फिल्म मैदान का हाल भी कुछ खास अच्छा नहीं है। हालांकि दिलचस्प बात ये है कि फिल्म की कमाई भले ही कम हो रही हो, लेकिन इसकी तारीफें बहुत मिल रही है। अमित शर्मा के डायरेक्शन में बनी इस स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म ने शुक्रवार को 2.75 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। इससे पहले ओपनिंग डे पर फिल्म ने 4.50 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। रिलीज से पहले बुधवार की शाम को पेड प्रीव्यूज भी हुए थे। इससे फिल्म ने 2.6 करोड़ रुपए कमाए थे। इस तरह फिल्म का टोटल कलेक्शन 9.85 करोड़ रुपए है। इस बायोपिक ने दो दिनों में वर्ल्ड वाइड करीब 15 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया है। चिंता की बात तो ये है कि बड़े मियां छोटे मियां का बजट जहां 350 करोड़ रुपए का है, वहीं मैदान भी 100 करोड़ के बजट में बनी है। ऐसे में दोनों फिल्मों को हिट होने के लिए जोर लगाना होगा। तो क्या आपने फिल्म मैदान या बड़े मियां छोटे मियां देखी है? हमें कॉमेंट करके बताएं आपको ये फिल्म कैसी लगी। और देखना ना भूलें स्टोरी हाउस।